मेरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है। आपने स्वेच्छा मृत्यु की मांग की है, ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से आपने स्वेच्छा मृत्यु की मांग की है? सर बहुत बड़ी परेशानी है घर में। कैसे? सबसे ज्यादा परेशानी है कि मेरी माँ विधवा है, बिल्कुल भी उन पे भी है का चला नहीं जाता है, फिरा नहीं जाता है, और खाने तक के लिए तबाह है। और मेरी एक बीमारी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कितने साल से बीमार है आप? मैं 5 साल से रीढ़ की हड्डी बीमारी से पीड़ित हूँ। और ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जिसकी वजह से आप रीढ़ की हड्डी से बीमार है? और मतलब मजदूरी करते वक्त एक मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसके कारण से मेरी अपाहिज की स्थिति बनी हुई है, और बिल्कुल आधा शरीर सुन्न रहता है, बिल्कुल चला नहीं जाता है, फिरा नहीं जाता है। अपनी इस परेशानी को लेकर के आर्थिक मदद के लिए आपने अधिकारियों वगैरह या जो संस्थाएं जो होती हैं उनसे मदद की गुहार नहीं लगाई? ऐसा कोई विभाग नहीं मैंने छोड़ा है कि वहाँ मैंने मदद नहीं लगाई, मदद की गुहार नहीं लगाई। फिर क्या हुआ, कोई फायदा मिला? माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख चुका हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख चुका हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, और पिछली सरकार में भी लेटर पहुँचा चुका था। सरकारें बदल गई मगर मेरा काम नहीं हुआ। आज तक किसी ने भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं की। अरे इधर उधर से अगर अपनी मदद मांग लेते हैं परिवार ये सगे संबंधी से, अब तो वो भी एगा मना कर देते हैं। अब पीड़ा सहन नहीं होती है, मतलब ये है कि आखिरी स्टेट चल रही है हमारी। मेरी माँ है वो भी अपाहिज है, मैं भी अपाहिज हूँ, बताओ मेरी कैसे की जिंदगी कटेगी। और बीमारी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मिस्त्रात कर ले तो जिस माँ गए होगा गए तो काम करे, काम करते वक्त ही पाड़ टूट गई, सो गिर रीढ़ की हड्डी टूट गई। तब से लेके अभी तक ये बीमा चल रहे हैं? जब तक तो ऐसे बीमा चल रहा, जो कुछ है तो घर है, मैंने सब बेच के लगा दो, बासा कुछ सब बेच दी, पोता हूँ वीडियो जाके जी है तो कहा डीएम के भी और गया हूँ, पर बाबू ने ना भीतर घुसन दो, अब समय ना कागज देखे अभी तक बाबू यहाँ कागज डरे हैं, सीएम के यहाँ सब खबर पहुँचाई है, कोई मगर कोई कोई मदद नहीं हुई है। काम ना मदद करी एनजीओ ने, मदद ना करी सगन ने, तो मदद मांगी। बीमारी से ग्रस्त होने और आर्थिक सहायता न किए जाने की वजह से आपने इच्छा मृत्यु मांगी है? हाँ, अब क्या करें, तो फिर वहाँ कोई है ही ना है।